हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं बुधवार को प्रदेश भर में आरंभ हो गईं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नवाही के विद्यार्थियों में परीक्षाओं को लेकर जहां उत्साह है, वहीं पहली बार कैमरे की निगरानी में परीक्षा देने का एक अनुभव भी महसूस किया। छात्रों ने बताया कि नकल पर लगाम लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरे काफी उपयोगी सिद्ध होंगे। नवाही के सावित्री बाई फूले महिला परीक्षा केंद्र में 103 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। मेरा नाम शिवानी शर्मा है। कैमरों में पेपर देने की वजह से हमें डिस्टर्बेंस कम होती है और ये सरकार का अच्छा अभ्यास है। अब मेरा नाम रजनी है। सरकार ने कैमरे लगाकर बहुत अच्छा काम किया, इससे नकल बंद हो गई है। चलो, हमने कैमरे में फर्स्ट टाइम पेपर लिया और बहुत ही अच्छा लगा। इससे नकल की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी, तो हमें बहुत अच्छा लगा। प्रदेश सरकार की मेरा नाम उपासना है और मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ और बहुत इजी पेपर आया हुआ था और सभी का बहुत अच्छा पेपर हुआ। अब करो। मेरा नाम जोगिंदर सिंह है, लेक्चर इंग्लिश। मैंने बच्चों का भी पेपर देखा आफ्टर एग्जाम और इजी था पेपर और बच्चों ने भी अच्छी तरह से किया। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए नवाही से देशराज व निम्मू नामदेव की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन। अगर आप हिमाचल प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आपकी आयु 18 से 40 वर्ष तक है, तो आप 60 वर्ष की आयु में 3,000 रूपए प्रति माह पेंशन के हकदार हैं। पात्र हिमाचली सेवा केंद्र में मुफ्त पंजीकरण करवाएं, हर महीने 75 से 200 रूपए अंशदान जमा करवाएं और भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला के श्रम अधिकारी एवं श्रम निरीक्षक से संपर्क करें।